हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मरीनर्स पॉइंट। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए सिनोनिम्स लाया हूँ इंडिया विक्स का, उसके ट्रिक्स जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इंडिया विक्स में जो सिनोनिम्स हैं उसके सारे ट्रिक्स यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, ताकि आप आसानी से दिमाग में सेट कर सकें, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में मैं 5 सिनोनिम्स लाया हूँ और नेक्स्ट इंडिया विक्स के सिनोनिम्स आते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सिनोनिम्स है हमारा कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है फैट या छवि, मतलब मोटा और थुल थुल। तो इसको याद कैसे करेंगे? कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का याद करने का तरीका है कार पर लेटा हुआ। ठीक है, कॉर्पुलेंट, कार पर लेटा हुआ, ये आपको याद करने का ट्रिक है। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है फैट छवि, और याद करने का तरीका मोटा छवि थुल थुल, कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए ट्रिक बनाया है मैंने, कार पर लेटा हुआ। ठीक है, कार पर लेटा हुआ, ठीक है, ये आपका ट्रिक है। कार पर लेटा हुआ व्यक्ति मोटा है। ठीक है, याद अब आपके दिमाग में यह फिक्स हो जाएगा, कार पर लेटा हुआ व्यक्ति मोटा है, किसके लिए? कॉर्पुलेंट के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल इसके लिए है ए शॉर्ट सम वाट कॉर्पुलेंट मैन। इसका सिनोनिम सब क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम ओवेस्ट, मतलब मोटा। ओवेस्ट का याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है ओवेस्ट का ओवेसिटी से। ओवेसिटी मतलब क्या होता है? मोटापा। ठीक है, तो ओवेस्ट का ओवेसिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने बताया कॉर्पुलेंट मतलब फैट चब्बी और थुल थुल, तो इसके लिए मैंने तरीका क्या बताया? कार पर लेटा हुआ व्यक्ति मोटा है, मतलब इसका मतलब मोटा। वर्ड मैंने क्या लिया? सिनोनिम्स वर्ड ओवेस्ट, ओबेसिटी से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम दूसरे सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। दूसरे, तो दूसरा वर्ड है ब्रीफ। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि ट्रिक आपको बताने का ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस एग्जाम में आता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मतलब संक्षिप्त में विवरण करें। इसका मतलब ब्रीफ क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि इसको ब्रीफ डिस्क्राइब करें, मतलब संक्षिप्त में वर्णन करें, मतलब समरी बताना होता है एक तरीके से। समरी, ब्रीफ का मतलब समरी, संक्षिप्त करें। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? शॉर्ट। ठीक है, इसका क्योंकि ब्रीफ मतलब छोटा करके वर्णन करना, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही तो करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसका आपको ट्रिक बताने का ज़रूरत है। ब्रीफ का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सिनोनिम्स इसका याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है इम्बेजल। अब इम्बेजल कैसे याद करेंगे? इम्बेजल एक वर्ब है। ठीक है, इम्बेजल एक वर्ब है, इसका मतलब होता है स्टील, खा जाना, मतलब किसी का पैसा खा जाना, चुरा लेना। ठीक ना, यहाँ पर इम्बेजल का मतलब है चुरा लेना, स्टील। ठीक है, अब इम्बेजल यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, कोई पैसा टाप रहा है आपका। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या मैंने बताया? इम्बेजल का जो मेन वर्ड होता है इम्बेजल, ये सब जो वर्ड है, वर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब सिनोनिम्स, लेकिन मैं इंडिया विक से रिलेटेड सिनोनिम्स आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो इम्बेजल का सिनोनिम अप्रोप्रिएट हो सकता है। इसका मतलब होता है कि वन ट्रस्ट से कोई दूसरे ट्रस्ट में कोई पैसा चुरा के अगर ले ले चल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिस अप्रोप्रिएट। ठीक है, ओके, वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिस अप्रोप्रिएट या इम्बेजल उसको बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। वन ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट में पैसा ले जाना,
मिसअप्रोप्रिएट का मतलब स्टील चुराना होता है, लेकिन इसका जो मेन मतलब है, मिसअप्रोप्रिएट के लिए भी वन ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। इम्बेजल का मतलब होता है मनी ट्रांसफर वन ट्रस्ट टू अनदर ट्रस्ट विदाउट परमिशन, मतलब चुरा के, ठीक है। तरीका बताया है कि इंजीनियर, जो इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर तो बहुत बेरोजगार हैं, तो वो इंजीनियर क्या करेगा जब उसके पास रोजगार नहीं है, तो बड़ा सेंध मारेगा, बड़ा सोचेगा, बड़ा सेंध मारेगा। तो बड़ा सेंध मारने के लिए क्या करेगा, वो एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट में पैसा ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। बेरोजगार इंजीनियर, उसके लिए उसको क्या हो जाएगा, जब पकड़ा जाएगा तो जेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि बेरोजगार इंजीनियर को जेल क्यों हुआ, क्योंकि वह सेंध मारा, वह एक एक ट्रस्ट से, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा क्या कर लिया, उड़ा दिया, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये आप बुला सकते हैं। इम्बेजल मतलब एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पैसा को ट्रांसफ़र करना विदाउट परमिशन, खा जाना, चुरा लेना, ठीक है। द एम्प्लॉय मोस्ट लाइकली टू इम्बेजल, तो चुराने के बात कर रहा है। मनी प्लेस्ड इन वन ट्रस्ट और बिलोंगिंग टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच वन वर्क सीक्रेटली, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वर्ड है वेंट, ठीक है। फोटो आप कनेक्ट कर सकते हैं वेंट, जहाँ से हवा निकलने का रास्ता होता है उसको वेंट करते हैं, वेंट कहते हैं। तो वेंट, वेंट वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। वेंट वर्ब भी होता है और आपका नाउन भी होता है, ठीक है ना। तो वेंट को याद करने का सबसे, वेंटिलेशन, क्योंकि रेगुलर यूज में वर्ड है वेंटिलेशन, ठीक है। वेंटिलेशन, वेंट से वेंटिलेशन, इसका वर्ड मतलब होता है कि ओपनिंग। ओपनिंग किसके लिए, एयर के लिए, गैस के लिए, लिक्विड के लिए, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट। तो इसका क्या होगा सिनोनिम्स, ओपनिंग डक्ट, ठीक ना, ओपनिंग या डक्ट, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। तो वेंट का ट्रिक बताने का जरूरत नहीं है, वेंट को आप लोग कोरिलेट किससे कर सकते हैं, वेंट को कोरिलेट कर सकते हैं वेंटिलेशन से, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट है आपका अगस्त, ठीक है। अगस्त का मतलब क्या होता है, अगस्त का मतलब होता है ग्लोरियस और प्रतापी, ठीक है। ग्लोरियस, तो अगस्त में ही अपना हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो प्रतापी, प्रतापी हमारे जो देशभक्त थे वो क्या हुए थे, शहीद हुए थे, तब हमारा देश आज़ाद हुआ था। इससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है डिग्निफाइड, प्रसिद्ध, प्रसिद्धि, ठीक ना। इसका हिंदी होता है प्रसिद्धि। तो अगस्त, 15 अगस्त से आप याद कर सकते हैं, ठीक ना, कि डिग्निफाइड डे है, प्रसिद्ध डे है, ठीक है ना। ग्लोरी, ग्लोरियस मतलब प्रतापी, प्रतापी मतलब बहुत जाने माने, ठीक है ना। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए 5 क्या था, सिनोनिम्स था, ठीक ना। एक बार हम और कनेक्ट कर लेते हैं, अगस्त को कनेक्ट कर सकते हैं 15 अगस्त से, हमारे ग्लोरियस, प्रतापी और जो जाने माने हमारे देशभक्त शहीद हुए, तब हमारे को क्या मिला, देश को आज़ादी मिला, डिग्निफाइड, इसका होगा प्रसिद्धि, ठीक ना, जाने माने, ग्लोरियस, ठीक है। वेंट को हम लोग किससे कनेक्ट कर सकते हैं, वेंटिलेशन से, ठीक है। तो इसको ट्रिक तो बताने का जरूरत नहीं है, वेंट मतलब जहाँ से एयर निकलता है, ओपनिंग या डक, ठीक है। तीसरा है आपका क्या, इम्बेजल। इम्बेजल का हम लोग क्या बताए थे, कि इंजीनियर क्या करेगा, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पैसा मार लेगा, सेंध कर लेगा, खा जाएगा, चुरा लेगा, उसको इम्बेजल कहते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिस अप्रोप्रिएट। सिनोनिम्स बहुत हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इंडिया विक्स से रिलेटेड ही आपको सिनोनिम्स बता रहा हूँ, ठीक ना। फिगर भी देख सकते हैं। दूसरा है ब्रीफ। ब्रीफ का तो हम लोग जानते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एग्जाम में हमें आता है क्वेश्चन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करने के लिए। और पहला क्या है, कॉर्पुलेंट, कार पर लेटा हुआ व्यक्ति क्या है, मोटा, मोटा है, तो मतलब फैट चब्बी, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, ओवेस्ट, इसका ओवेसिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए 5 सिनोनिम्स था।
और रेगुलर में सिनोनिम्स एंटोनिम्स इंडिया विक्स में जो इंग्लिश सिनर्जी में आने के जो चांस है उसके लिए मैं ट्रिक आपको रेगुलर अब लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।